कटरीना के साथ शादी के बाद कैसी है विकी कौशल की लाइफ। विकी कौशल ने लीक की प्राइवेट बातें। शर्म से पानी पानी हो जाएंगी कटरीना कैफ। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। बॉलीवुड के स्टार कपल विकी कौशल और कटरीना कैफ पिछले साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंध गए थे। आए दिन ये कपल किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोरते रहता है। अक्सर उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसे फैंस काफी पसंद करते हैं और अपना भरपूर प्यार लुटाते हैं। इसी बीच ये जोड़ी एक बार फिर लाइमलाइट में आ चुकी है, जिसके पीछे वजह है विकी कौशल का दिया हुआ एक बयान। जी हाँ, जिसमें उन्होंने अपनी और कटरीना की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बातें की हैं। दरअसल अबू धाबी में आईफा 2022 की धूम मची हुई थी। उस दौरान इंडिया टुडे के साथ बातचीत में जब विकी कौशल से पूछा गया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है, तो विकी कौशल ने कहा, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सुकून भरी है, कटरीना बहुत अच्छी है, मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही है, उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हम एक साथ आईफा में शामिल होंगे। बहुत अच्छी चल रही है, सुकून भरी चल रही है। I'm missing us together as well. Thank you. Well, विकी की बातें सुनकर वी आर श्योर कटरीना शर्म से लाल पीली हो गई होंगी। वी आर श्योर वी मिस्ड कटरीना कैफ ऑन द ग्रीन कार्पेट टू। लेकिन सभी को ये भी पता है कि कटरीना कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, इसलिए मैडम अपना टेक केयर कर रही हैं। वैसे बता दें कि आईफा 2022 में विकी कौशल को फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया, जिसके लिए उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी मिली। खैर, बात की जाए विकी कौशल के वर्क फ्रंट की, तो वो गोविंदा नाम मेरा, सैम बहादुर, लका छुपी 2 जैसी कई फिल्मों में नजर आएंगे। वेल, आप विकी की इन फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड हैं? विकी और कटरीना की जोड़ी आपको कैसे लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बॉलीवुड नर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।